तो भाई अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ जीप कंपस की ट्रल हॉक, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भाई अब चेकआउट कर लेना भाई। तो भाई वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, मेरा नाम है ओमकार और आज हम आए हैं नासिक के जीप के शोरूम में, जहाँ पे हम एक ऑफरोडिंग का टेस्ट लेने वाले हैं जीप कंपस की ट्रेल हॉक का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सर ये नहीं है, ये है अपनी जीप कंपस की ट्रेल हॉक, जिसका आज हम मतलब एक ऑफरोडिंग लेने वाले हैं। और मेरे साथ है यहाँ पे सिद्धार्थ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े यूट्यूबर हैं हमारे साथ। आज हम दोनों जो ये इस गाड़ी का एक टेस्ट लेने वाले हैं। इसने तो मतलब पहले भी मतलब जो 2021 में जो आई थी उसका इसने लिया है, तो मैंने मतलब मेरा ये फर्स्ट टाइम है। तो भाई तेरा पिछली बार का एक्सपीरियंस किस तरह का था? पिछली बार तो बहुत मजा आया था, लेकिन उससे भी ज्यादा मजा आज आने वाला है, इस वीडियो के अंदर आने वाला है, क्योंकि यह जीप के ट्रेल हॉक 4x4 और बहुत सारे चेंजेस के साथ इसको लॉन्च किया है। इसका डिटेल रिव्यू वीडियो तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आज इसका प्रॉपर ऑफ रोडिंग हम करने वाले हैं। yes, और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आज के वीडियो में कि भाई कैपेबिलिटीज किस तरह की है। और भाई अगर आपको रिव्यू वीडियो देखना है तो आप हमारे दोनों के चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो आईडीज दिख रहे होंगे, तो दोनों के चैनल के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, बिकॉज ये गाड़ी जो है खचाखच भरी है फीचर्स से, तो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीजें होने वाली है। एक बात तो पक्की है, फॉर्च्यूनर से कई गुना ज्यादा ये कार आपको बेस्ट परफॉर्मेंस। अभी जस्ट मैंने 2 मिनट पहले देखा है, एक फॉर्च्यूनर वाला बंदा जीप कंपस की ट्रेल हॉक की टेस्ट ड्राइव लेके गया है। तो भाई 5 मिनट पहले की बात है, बंदा फॉर्च्यूनर में आता है जीप ट्रेल हॉक की टेस्ट करके जाता है। और फॉर्च्यूनर भी ना अभी का मॉडल था, जो रिसेंट वाला मॉडल है ना। तो भाई समझ लेना कि गाड़ी किस तरह की होने वाली है। बाकी आप आगे वीडियो के अंदर तो देखने वाले हैं कि क्या कुछ मतलब ऑफरोडिंग हम करने वाले हैं, सारे शॉट्स में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, 30 लाख रुपए के अंदर आप ऑफरोडिंग के मजे भी ले सकते हो और कंफर्ट आपको नेक्स्ट लेवल। और गाड़ी के अंदर लग्जरी भी है ना, लग्जरी भी है, कम्फर्ट भी है और एडवांस फीचर्स भी है, जैसे कि वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, और क्या चाहिए 30 लाख के अंदर भाई। और ये सब चीजें तो आपको फॉर्च्यूनर में मिलेगी ही नहीं। फॉर्च्यूनर का इंटीरियर आप सबको पता है कैसा है, तो इसका जो इंटीरियर काफी जबरदस्त है। तो भाई चलते हैं अभी डायरेक्टली ऑफ रोडिंग ही करते, मतलब रोड पे पहले चलाएंगे और फिर उसके बाद में ऑफ रोडिंग करेंगे। तो डायरेक्टली चलते हैं ऑफ रोडिंग की तरफ। तो भाई अभी टाइम आया है जीप कंपस की ट्रेल हॉक का टेस्ट राइड लेने का, मतलब सॉरी ऑफ रोडिंग का राइड लेने का, जो कि हमें ज्ञानेश्वर जी जो है करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप मिल लीजिए एक बार ज्ञानेश्वर जी से, जो कि हमें इस गाड़ी का मतलब पूरा का पूरा जो ऑफ रोडिंग जितना हो सकता है उतना हमें करवाने वाले है। तो वीडियो के अंदर आगे आप देखेंगे कि आपको क्या क्या मतलब इसके अंदर ऑफ रोडिंग के फीचर्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम इनसे जान लेंगे। और बाकी देखते हैं आगे की क्या होता है, बाकी चीज़ें चेकआउट कर लेंगे आप। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं गाड़ी के अंदर। और हमने अंदर एक कैमरा भी सेट कर रखा है, तो वहाँ पे आप डैशबोर्ड के ऊपर वो देख पाओगे। यहाँ पे जो ये एक हमने कैमरा सेट कर रखा है, जो कि आपको जो ये वक्त वक्त पे जो ये ऑपरेटिंग की कुछ फुटेज जो ये दे देगा। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैं बैठा हूँ पीछे की सीट्स के ऊपर, और यहाँ पे डेफिनेटली मैं मतलब मिडल रूम में बैठा हूँ। यहाँ पे छोटा सा मतलब ऐसा बम्प भी है, बट मुझे ऐसा कुछ ज्यादा फील नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे एक साइड में भी अगर मैं आऊँ ना, तो कंफर्ट काफी अच्छा है गाड़ी के अंदर पीछे के साइड में। और सिद्धार्थ भाई जो ये आगे मस्त वेंटिलेटेड सीट्स के मजे ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो थोड़ी देर बाद मैं भी बैठूंगा और आपको आगे का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बट जो मतलब पीछे का कंफर्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल है। बाकी कोई भी आप एसयूवी ले लो, आपको इस तरह की रिजिडनेस और जो मतलब फील है वो कोई भी गाड़ी के अंदर नहीं आएगा। जीप के अंदर ऐसी कुछ बात है ना कि आपको मतलब गाड़ी चलते समय आपको जो है कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आने वाला है ना, जो आपको बहुत अलग सा एक एक्सपीरियंस दे जाएगा। बाकी तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं विंडो वगैरह कितनी बड़ी है, तो बाहर का जो व्यू है वो भी काफी अच्छा खासा यहाँ पे दिखता है। और ऊपर के साइड में एक बड़ा सा जो ये पैनोरामिक सनरूफ है, तो उसकी मदद से जो ऊपर का व्यू है झाड़पट्टी यहाँ पे आप ऊपर के साइड में देख सकते हैं, तो उसका एक मतलब एक्सपीरियंस आता है। सबसे ये कंपनी इसका क्लेम करती है 17.10 का, ओके, तो ये मैक्सिमम देती है 14-15 का सिटी राइड। हाँ सिटी राइड में कस्टमर रिव्यू है अपने पास। ओके, और अगर हम इसको ऑफ रोडिंग के लिए यूज करते हैं तो ऑफ रोडिंग के अंदर ये कितना माइलेज देगी? ऑफ रोडिंग के अंदर दो तीन के आसपास कम पकड़ लो। आणि हां पेट्रोल चे प्राइसेस वाढणार आहे बघा। हो अरे मी आज फुल करणार आहे भाई गाडी 35 रुपये। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं हम है ऑन द वे टू ऑफ रोडिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अभी हम है महिंद्रा सर्कल पे। और ज्ञानेश्वर जी अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं वैसे?
अभी हम अंबड लिंक रोड पाइपलाइन रोड पे। ओके सो मतलब मेरी लोकेशन कहाँ पे, मतलब कहाँ पे ऑफ रोडिंग करने वाले? वोर टाउनशिप करके है, उसके बैक साइड में। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड गाड़ी का मतलब अभी तक का जो एक्सपीरियंस है ना वो काफी अच्छा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी के ब्लोअर ठीक मेरे बीच में है, तो मुझे काफी ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे आ रही है। एंड डेफिनेटली जो गाड़ी की मतलब कूलिंग है वो एकदम प्रीमियम कार जैसी यहाँ पे आपको मिलती है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह तो आप यहाँ पे देख ही पाओगे, बड़ा सा वहाँ पे जो ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है। ऑटोमेटिक गाड़ी है सो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो गियर नॉब दिया गया है, डीजल गाड़ी है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मतलब मुझे बहुत कम जो ये वाइब्रेशन फील हो रहे हैं गाड़ी के अंदर। बाकी अगर मैं म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ ना, तो भाई सिद्धार्थ ने यहाँ पे थोड़ा सा कोई गाना सुना के दिखाया, एज यूजुअल भाई रेडियो के ऊपर जो बहुत मतलब कम गाने लगते हैं और जो मतलब बातें रहती है वो ज्यादा चलती है। अभी तक ऑलमोस्ट सारे चैनल चेक किए हैं बट इसके ऊपर भी गाना नहीं है। एक बार देख लीजिए, जो साउंड क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल है। बाकी का मैं वीडियो कट कर देने वाला हूँ बिकॉज कॉपीराइट इशू हो सकता है। काफी बढ़िया मतलब सस्पेंशन के अंदर आपको मिलने वाले तो भाई अभी हम ये लोकेशन पे आए हैं और यहाँ पे आप लोकेशन देखो ना यार, यहाँ पे पूरे पत्थर कंकर माउंटेन जैसी यहाँ पे जो ये वाइब सारी है। यहाँ पे आप चारों ओर देख सकते हैं, यहाँ पे बस एक घर है एंड यहाँ पे जो ये चारों ओर पहाड़ ही है, मिट्टी है पूरी। भाई 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 ये वाला पार्ट देखो यार, अभी ये गाड़ी जो है यहाँ पे कुछ इस तरह के स्लोप पे लगी है एंड एक व्हील इसका पीछे का जो है थोड़ा सा ऊपर के साइड में है, थोड़ा सा ऊपर के साइड में है बस। एंड यहाँ पे अपना सिद्धार्थ भाई भी वीडियो निकल रहे हैं एंड यहाँ पे आप ये व्हील देख सकते हैं किस तरह से है, मतलब इतना सा हवा में है अभी। सच में यार जीप कंपास इसी तरह से मतलब फेमस नहीं हुई है सच्ची में। गाड़ी के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी मतलब पावर है, मतलब इतनी पावर है ना कि गाड़ी कहीं से भी निकल जाती है, आप इसको जो है इजीली कहीं पे भी चला सकते हैं। तो मेरी तरफ से जो है ना जीप कंपास को एक थम्स अप, जीप कंपनी को एक थम्स अप की इतनी प्यारी गाड़ी बनाई ऑफ रोडिंग के लिए। एंड डेफिनेटली भाई बहुत स्पोर्टी है, बहुत स्पोर्टी, अंदर से भी काफ़ी मज़ा आता है गाड़ी के अंदर। जो पहाड़ है गाइस वहां पर हम चढ़ने वाले हैं। 2-3 स्टार्ट। तो भाई अभी एकदम मेन ऑफ रोडिंग है, तो ये है परफेक्ट ऑफ रोडिंग। यहाँ पर इंक्लाइन चालू हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई वहां से नीचे से हम डायरेक्टली ऊपर आए हैं। जैसे डायरेक्ट अब मैं एक बार आपको एक वो इंक्लाइन वाला पार्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
एक बार देख लीजिए कहाँ से अभी गाड़ी ऊपर चढ़ी है, एंड बहुत इजीली, मतलब कुछ फील भी नहीं हुआ। आपने वीडियो के अंदर देखा होगा, अभी वीडियो के अंदर दिख रहा नहीं होगा, ये अभी बहुत भाग के, मतलब ये कैमराज वगैरह मैंने यहाँ पे सेट किया है, यहाँ पे कैमरा सेट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई। मतलब वीडियो के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दिख रहा ही नहीं है, मैं यहाँ से, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा नीचे, मतलब ऐसा स्लोप है, और यहाँ से गाड़ी अभी ऊपर आई है। तो भाई यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यहाँ से गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ी है पूरी तरह से, और अभी तो मतलब काफ़ी बाकी है, तो आगे देखते हैं और कहाँ पे मतलब गाड़ी जाएगी। तो ये अपना कैमरा ऐसे उठा लेते हैं, इसका काम हो चुका है। आप देख सकते हैं नीचे के साइड में कितना स्लोप है, और यहाँ से अभी जो है गाड़ी नीचे के साइड में जो है जाएगी। तो एक बार आप ट्रेल ऑफ की जो है ऑफ रोडिंग, मतलब ऐसे वाइल्ड लुक एक बार देख लीजिए कि गाड़ी जो है बाहर, मतलब ऐसे वाइल्ड इसके अंदर किस तरह से दिखती है। और यहाँ पे ओ भाई क्या गाड़ी है, ओ भाई यहाँ पे जो ये 4x4 गाड़ी है, तो शायद से इसकी ड्रिफ्टिंग वगैरह भी काफी हद तक अच्छे से हो सकती है। ओ भाई यही तो है जीप कंपास का मजा। यहाँ पे दुबा देख लीजिए एक बार, तो यहाँ पे अभी गाड़ी नीचे जा रही है अपनी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार मैं अपना दूसरा कैमरा भी ऑन कर लेता हूँ, तो आपको एक सिनेमेटिक क्लिप जो है दे सकूँगा मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से है गाड़ी जो है अभी नीचे जा रही है, एंड बिल्कुल भी मतलब ईजीली आपको, मतलब कोई इस गाड़ी को मेहनत नहीं करनी है, आराम से एकदम नीचे जाएगी। वैसे हमारे गाड़ी के अंदर भी एक कैमरा लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है, ओ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे कि अभी सिद्धार्थ ने भी कहा अपर्चर एंगल डिपर्चर एंगल, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। ऑफ रोडिंग के लिए अगर मैं नॉर्मल अपनी जीप कंपास ले आऊँ तो भाई टूट फूट जाएगी वो पूरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी। और भाई अभी यहाँ पे आप देख लीजिए ना एक बार कि ये गाड़ी, ये देखो अभी मैंने कैमरा स्ट्रेट पकड़ा है, और यहाँ पे भी आप देख पाओगे किस तरह से मैंने स्ट्रेट पकड़ा है, तो यही पोजीशन में अभी मैंने कैमरा पकड़ा है, कितना ज़्यादा स्लोप है, सिद्धार्थ ऐसा स्लोप के ऊपर बैठा है पूरा पूरी तरह से, स्लिप नहीं हो रहे टायर्स कुछ भी, मतलब ऐसा दिक्कत नहीं है, पत्थर वगैरह भी आप जो है देख ही सकते हैं भाई। गाड़ी अभी इंक्लाइन में पूरी तरह से ऊपर गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा थोड़ा सा क्लिप लेना बाकी रह गया, 4-व्हील ड्राइव है वो भाई मेरे ऊपर आ जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे जो ये बहुत मतलब स्किल ड्राइवर है, इनको बहुत मतलब अच्छे से गाड़ी चलाते आती है, बहुत मतलब मज़े आ गए भाई ये गाड़ी का एक्सपीरियंस लेके मुझे इनके साथ। और भाई सच में यार गाड़ी में ऑफ रोडिंग के लिए बहुत मज़े है। तो भाई एक बार आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे गाड़ी अभी थोड़ी सी व्हील स्पिन हुई थी, तो अरे यार मेरे पैर यहाँ पे फिसल रहे यार, तो ये कुछ आपको चीज़ें मिलती है। एक बार अभी क्या फ्रंट में ड्रिफ्ट मारेंगे, तो भाई अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ जीप कंपास की ट्रल हॉक जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और भाई चलने में तो मतलब ये नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओ भाई यहाँ पे आप रास्ता देख सकते हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसा खड्डे खुड्डे इसके अंदर, और थोड़ा ऑफ रोडिंग लायक यहाँ पे जो है रास्ता है, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली जो है देख पाओगे रास्ता किस तरह से है। और यहाँ पे मतलब ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, बट स्टिल भाई चलने में तो ये मतलब नेक्स्ट लेवल है, और डीजल गाड़ी है चलने में मतलब ओ भाई खड्डे यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ से मैं एक बार ढूंढता हूँ कि रास्ता कहाँ से, कांटे वगैरह बहुत मतलब यहाँ पे है, तो वो एक दिक्कत यहाँ पे डेफिनेटली है, बाकी आप यहाँ पे देख पाओगे। ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है यार गाड़ी की, मुझे यहाँ पे मतलब तुरंत फील हो रहा है कि डेफिनेटली जो गाड़ी की ब्रेकिंग वगैरह है। और यहाँ पे एक बार आप नीचे देख लीजिए रास्ता कहाँ पे, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह की जगह पे गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो मैं तो भूल ही गया कि भाई मतलब कहाँ पे जाना है, अभी यहाँ से मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा।
वहाँ पे जाना है मुझे। तो भाई यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए गाड़ी जो बाहर से मतलब कितनी गंदी हो चुकी है। और अभी हम आगे चलते हैं जहाँ पे आगे क्या क्या चीजें हैं, मतलब आगे क्या हमें ऑफ रोडिंग मिलती है वो देखते हैं। भाई अभी जो गाड़ी है वो पूरी मतलब टेढ़ी है यहाँ पे एकदम बाहर जितना अच्छा लगा छुप के ना एंगल पर नहीं उधर नहीं भाई डोर भी इसको खोलते नहीं आ रहा इतना मतलब इतनी टेढ़ी लगी गाड़ी। यहाँ पे एक बार देख लीजिए भाई मतलब डोर लगाने के लिए बाहर से पकड़ना पड़ रहा है कि वो ज्यादा जोर से ना गिरे। तो भाई अभी मैं अपना फोन जो ये सीधा पकड़ रहा हूँ और यहाँ पे आप जो ये गाड़ी कितनी टेढ़ी है वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे रियली मैं मतलब बता रहा हूँ यहाँ पे ऊपर के साइड में ऐसा मतलब पूरा पहाड़ जैसा है। यहाँ पे आपको बादल दिख रहे होंगे पूरे और यहाँ पे ये अपना नीचे गए। तो यहाँ पे सिद्धार्थ भाई तो मतलब हमें क्लिप्स दे देंगे बाहर से ये गाड़ी कितनी टेढ़ी है वगैरह। तो और एक चीज हम यहाँ पे एक बार जान लेते हैं ज्ञानेश्वर जी से, ऑफ रोडिंग करते समय हमें क्या क्या जो है ध्यान रखना चाहिए। ऑफ रोडिंग के सबसे पहली बात ऑफ रोडिंग करने के टाइम में हमको एक एंगल देखना होता है कि गाड़ी कहीं लगे ना नीचे। ओके सबसे पहली बात तो वो होती है और बाकी तो फिर ड्राइविंग के ऊपर है वो स्किल्स के ऊपर रहता है। तो भाई ज्ञानेश्वर जी बहुत ज्यादा स्किल्ड है यहाँ पे मतलब इन्होंने काफी अच्छे अच्छे रस्तों से मतलब अच्छे अच्छे मीन्स जो ऑफ रोडिंग के रस्ते रहते हैं ना उबड़ खाबड़ उधर से हमें लेके गए हैं। तो मतलब डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आया है वो मतलब हम जैसे ड्राइवर से तो ये कुछ मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है इस तरह की गाड़ी चलाना। अभी मुझे ऐसा मतलब फील हो रहा है कि गाड़ी का थोड़ा सा व्हील स्पिन हुआ। भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसका जो पीछे का टायर है ना वो पूरा हवा में है। तो वो एक बार क्लिप्स मैं यहाँ पे ऊपर डाल दूंगा जो पीछे का टायर है व्हील है वो पूरा ही हवा में है। और यहाँ पे एक बार आप पोजीशन देख लीजिए किस तरह के पोजीशन में यहाँ पे मैं बैठा हूँ। पूरा ही पूरी जो गाड़ी है वो टेढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे एक बार मैं गाड़ी के बाहर ही उतर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे डोर थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा गड्ढा है करके। तो भाई अभी यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जस्ट अभी लिटरली मतलब टच होते होते बची है गाड़ी। एंड यहाँ पे भाई अभी इस तरह की गाड़ी में मैं बैठा था कि मतलब गाड़ी का जो पूरा व्हील ही है वो हवा में है। एंड अदरवाइज आप देख सकते हैं डेफिनेटली गाड़ी बहुत अच्छी बनाई है भाई कि मतलब सब जगह पे टिक सकती है गाड़ी। तो गाइस टाइम टू लीव दिस प्लेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से अभी हम कच्चे रास्ते पे आ चुके हैं और अभी घर पे जा रहे हैं। अपना जो ऑफरोडिंग का पैच था वो पीछे छूट गया। अब चेक आउट कर लेना भाई आपको। तो ये है ओ माय गॉडनेस बहुत बढ़िया बॉस लिटरली बहुत ही नेक्स्ट लेवल था नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। और हमारा एक्शन कैमरा नीचे गिर चुका है भाई तेरी दिलों की धड़कन बड़ी है नहीं अरे बहुत ज्यादा ये देखो नीचे गिर गया। तो भाई ऑफ रोडिंग हमारी हो चुकी है और अभी मैं आ चुका हूँ आगे वाले सीट पे जहाँ पे मुझे वेंटिलेशन का जो है काफी अच्छा मजा आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब ठंडी ठंडी हवा पीछे से मुझे लग रही है। एंड अभी सिद्धार्थ जो है पीछे के साइड में बैठा है और भाई ज्ञानेश्वर जी ने क्या गाड़ी चलाई है आज इन्होंने हमें काफी अलग सा मजा दे दिया। तो इनसे हम एक बड़ा थैंक यू कहना चाहेंगे ज्ञानेश्वर जी को कि बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस दिया इन्होंने। और आपने मतलब अभी तक कौन सी गाड़ी की ऑफ रोडिंग की है इसके अलावा? इसके अलावा इंडिवर की है फॉर्च्यूनर की है। ओके तो इसमें आपको ऐसा क्या डिफरेंट लगा? डिफरेंस तो बहुत है मतलब जैसा जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो इस गाड़ी में आता है। मतलब इसके अंदर बॉडी रोल कम है ना शायद? बहुत कम है बॉडी रोल है ही ना के बराबर है। तो भाई ये एक प्लस पॉइंट है जीप लेने का। एक चीज यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा अगर आप इसको कहीं हिली एरिया में लेके जाते हो ठीक है लाइक डोंगर वाले पार्ट तो वहाँ पर भी आपको बॉडी रोल बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाला क्योंकि हिली रोड के अंदर बॉडी रोल बहुत ज्यादा महसूस होता है नॉर्मल कार्स के अंदर लेकिन जीप ट्रेलहॉक और जीप कंपास के अंदर आपको बॉडी रोल ना के बराबर मिलने वाला है। और कंपास जो अपनी नॉर्मल एस मॉडल वगैरह आती है उसके अंदर और इसके अंदर आपको चलाने में कुछ डिफरेंस लगा? नहीं कुछ नहीं जो भी है मतलब 62 फीचर्स ऐसे ओके बेसिक से लेके टॉप तक सभी व्हीकल में स्टैंडर्ड है। ओके तो परफॉर्मेंस वाइज सभी बेस्ट। ओके बस इसका जो मतलब आगे का वो इंटीरियर और एक्सटीरियर ये दोनों का ही चेंजेस नॉर्मल से कॉस्मेटिक चेंजेस आपको मिलेंगे लेकिन जो मेन फीचर्स रहते हैं वो आपको ट्रेलहॉक के अंदर और कंपास के अंदर कॉमन मिलने वाले हैं। और वो आगे का जो बंपर अलग दिया है वो भी और एपर्चर एंगल वो भी काम में आता है ना बहुत काम में आता है।
ऑफरोडिंग के लिए ये अगर देखा ऑफरोडिंग के लिए तो ये 10 लेवल क्रॉस कर चुकी है इसीलिए ये सबसे बेस्ट है ऑफरोडिंग में, इसलिए ट्रेल रेटेड है, इसीलिए ट्रेल रेटेड है। तो भाई ये कुछ चीजें आपको जो ये जीप कंपास के अंदर, ट्रेल हॉक के अंदर स्पेशली जो ये अलग देखने को मिलती है। इस वजह से ये गाड़ी जो ये ऑफरोडिंग के लिए जो ये मानी जाती है, ट्रेल रेटेड गाड़ी है। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतने था। अगर आपको कुछ इसी तरह के वीडियो चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। आप हमारे हम आपके लिए जो ये एंडेवर फॉर्च्यूनर सनरूफ रहेगा वो भाई एक बार सनरूफ देख लीजिए। तो यहाँ पे काफी बड़ा यहाँ पे जो सनरूफ दिया है, वहाँ पे धूल मिट्टी दी करके हमने ज्यादा इसको खोला नहीं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं वन टच में खुल जाता है, बहुत मस्त चीज है। और इसको मैं बंद कर लेता हूँ, बहुत मतलब गाड़ियों की आवाज आती है अंदर, तो ये एक अगेन काफी अच्छी चीज है। बाकी अगर आपको कुछ इसी तरह की गाड़ियों के वीडियो चाहिए होगे ना ऑफ रोडिंग वाले, तो आप एंडेवर के लिए या फॉर्च्यूनर के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको आज का वाला वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको जल्दी से दबा दीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले एसएम वीडियो में, ज्ञानेश्वर जी के साथ हम मिलते हैं एंडेवर के एंडेवर गाड़ी के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले एसएम वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई ऑफ रोडिंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई और गाड़ी भी धुल गई। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा नासिक जीप को जिन्होंने हमें ये गाड़ी ऑफ रोडिंग करने को दी। इतनी अमेजिंग जो हमें चीज़ें इस गाड़ी के बारे में पता चली कि गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे भी फीचर्स आते हैं और ये एक कम्फर्ट विथ मतलब कम्फर्ट विथ ऑफ रोडिंग विथ कम्फर्ट गाड़ी है। तो भाई अगर आपको नासिक के अंदर कोई जीप कंपास लेनी है ना तो आप ज़रूर से जो है जीप कंपास नासिक में आ सकते हैं, या अगर आप नासिक के बाहर से भी होना तो आप यहाँ पे आके जो विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ इसी तरह का जीप कंपास का ऑफ रोडिंग का एक मतलब एक्सपीरियंस लेना है तो आपको बस महाराष्ट्र के अंदर जो आपको बस इसी जगह पे जो है इस तरह का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो भाई ज़रूर से यहाँ पे आके विजिट करो।